नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीडियो। सो आज मैं यहाँ पे आपको जितने भी मार्केट में डोंगल्स हैं इनका यहाँ पे एक कंपैरिजन, महा कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि कौन सा आपके लिए सही है। एक्चुअली क्या इससे फर्क भी पड़ता है या नहीं पड़ता है स्पीड में, क्या आप अपने मोबाइल में यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन करके ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब नेट चला सकते हो, या इसके बदले 3-4 हजार रुपए में सेकेंडरी फोन ले लें उसमें हॉटस्पॉट खोल के नेट चलाएं। यहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इनकी तो बेसिक स्पेक्स बताऊंगा और मैं यहाँ पे इनके स्पीड टेस्ट करूंगा, आपस में कंपैरिजन करूंगा। महा स्पीड टेस्ट है, 42 स्पीड टेस्ट दिया हम लोगों ने, आप पूरा एक अच्छे से आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अब बिना किसी देर के यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की। अब यहाँ पे आपका एक तो टैकी हो गया, एक कोकोनट हो गया। अब यहाँ पे ये एक सिमिलर टाइप की डिवाइस है, दोनों यूएसबी वाले हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्हें पावर बैंक में लगा सकते हो, आप इन्हें अपने सीपीयू में लगा सकते हो। बहुत सीपीयू में यहाँ पे इनबिल्ट मदरबोर्ड में वाईफाई नहीं होता, ये तब भी चलेगा। तो इस सेंस में काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, इसमें कोई बैटरी का सीन नहीं है, आप डायरेक्ट से प्लग में भी लगा दो। तो यहाँ पे दोनों सस्ते पड़ते हैं कंपेरेटिवली, आप अगर जो बैटरी वाले देखो उनसे। वैसे अभी जो मैंने बताया प्लग में लगाने, 5 वॉट के आप एडेप्टर में लगाना। अब यहाँ पे इसे ज्यादा जैसे 33 वॉट के चार्जर आ रहे हैं, 50 वॉट के चार्जर हैं, उनमें लगाओगे तो एक फालतू में हीट करेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। बेसिक इसमें यहाँ पे सारे सिम आपके यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। इसमें आपकी जो अपलोड और डाउनलोड स्पीड है 150 Mbps तक आती है, और जो रेंज है आपकी, अगर आप यहाँ से एक दूसरा पॉइंट देखो तो 10 मीटर तक की आपकी रेंज मिलेगी। मतलब एक सेंटर पॉइंट से आप चारों तरफ 10 मीटर तक इसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें इनकी, तो इसमें यहाँ पे बैटरी लगती है। अब जैसे ये होगी दोनों के यहाँ पे 2700 mAh बैटरी, इसकी 1500 mAh बैटरी है। कितनी बैटरी यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना आपका ये चलेगा। अब आप इसे चार्ज पे लगा के भी चला सकते हो डायरेक्ट, बट उसे यहाँ पे फालतू में हीट करेगा। ये कि आप 2-3 घंटे में से बार बार चार्ज करते रहो और आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। मान लो आपके घर इन्वर्टर वगैरह नहीं है, आपके पास पावर बैंक भी नहीं है, तो जैसे यूएसबी वाले अगर आप प्लग में लगाते थे और लाइट चलेगी तब आपका नेट नहीं चलेगा, इनमें आपके पास बैटरी तो ऑब्वियसली आपको फायदा देखने को मिलेगा। बैटरी की लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जनरल आपको लाइफ देखने मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयरटेल की जो बैटरी लाइफ है थोड़ी कम हो चुकी है, बट जियो हम काफी साल से चला रहे हैं, 2017 में लिया था मैंने, ये इसकी बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ हुआवे की भी बैटरी में इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। बात करें यहाँ पे सिम्स की, तो हुआवे का यहाँ पे सारे सिम सपोर्ट करता है आपका, बीएसएनएल, वी, एयरटेल, जियो। बट जो यहाँ पे एयरटेल और जियो के हैं तो ऑब्वियसली एयरटेल का सिर्फ एयरटेल सपोर्ट करता है और जियो का यहाँ पे सिर्फ जियो सपोर्ट करता है। बाकी इसमें ऑलमोस्ट सारे सेम फीचर्स हैं, आपकी रेंज भी यहाँ पे 20 मीटर डायमीटर में है, आपके यहाँ पे 150 Mbps तक डाउनलोड अपलोड स्पीड आ जाएगी अगर आपका नेटवर्क इतनी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे यही सब इसके बेसिक फीचर्स। तो दोस्तों अब यहाँ पे तो बेसिक इन्फो थी इनकी, अब करते हैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट, जिसके लिए मैं जानता हूँ यहाँ पे ज्यादा तो लोग वीडियो में आए होंगे और आप ये लोग स्पीड टेस्ट ढंग से देखना। हमने यहाँ पे क्या करें, हमने यहाँ पे 3 स्पीड टेस्ट लिए हैं पर डिवाइस में, तो आपके सामने यहाँ पे तीनों स्पीड टेस्ट आ जाएंगे, प्लस वहाँ पे नीचे उनका एवरेज डाउनलोड अपलोड और पिंग आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास यहाँ जियो और एयरटेल के जो डोंगल्स हैं इसमें सिर्फ जियो में जियो का लगेगा, एयरटेल का एयरटेल का लगेगा। तो हमने जियो और एयरटेल से यहाँ पे सब में स्पीड टेस्ट करा है, क्योंकि मान लो मैं हुआवे में वी का करूंगा तो यहाँ पे वो फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें वी के सिम नहीं डाल सकते किसी में भी। स्पीड टेस्ट हमने एक तो मेरे आईफोन में करा है, एक अचिन के रेडमी नोट 7S में करा है, एक हमने यहाँ पे अचिन के फोन में हॉटस्पॉट ऑन करा और फिर मैंने अपने फोन में वाईफाई कनेक्ट करके उसे चलाया। यहाँ पे आपके पास 3-3 स्पीड टेस्ट तो जियो और एयरटेल के ऐसे आ जाएंगे कि भाई मोबाइल में चला के कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी हमने यहाँ पे हुआवे, टैकी और कोकोनट में यहाँ पे एयरटेल और जियो का लगाया, उनके स्पीड टेस्ट करे, और हमने जियो में ऑब्वियसली जियो का लगाया, एयरटेल में एयरटेल का लगाया और उनके स्पीड टेस्ट करे। सारे स्पीड टेस्ट की हम बात करते हैं आपके सामने, अगेन मैंने बताया स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे, आप पॉज करके भी आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जियो नेटवर्क की। तो जियो के नेटवर्क में हम देखते हैं पहले मोबाइल डिवाइसेस में यहाँ पे कितनी स्पीड है। तो यहाँ पे मेरे आईफोन SS Max में जो एवरेज डाउनलोड स्पीड आई हुआ है 53.2 Mbps, यहाँ पे जो एवरेज अपलोड आई हुआ है 12.8 Mbps, और जहाँ पे एवरेज पिंग आई हुआ है 60 ms। बात करें अगर हम रेडमी नोट 7S की, तो जो एवरेज डाउनलोड स्पीड आई हुआ है 27.4 Mbps, जो एवरेज अपलोड आई हुआ है 4.21 Mbps, और जो एवरेज पिंग आई हुआ है यहाँ पे 66 ms। और अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हमने रेडमी नोट 7 में यहाँ पे हॉटस्पॉट खोला और मैंने अपने आईफोन में उसमें वाईफाई कनेक्ट करके चलाया, तो जो एवरेज डाउनलोड स्पीड थी यहाँ पे थी 28.1 Mbps, जो एवरेज अपलोड थी वो थी 4.5 Mbps, और जो एवरेज पिंग थी वो थी यहाँ पे 65 ms। तो दोस्तों यहाँ पे ये था एवरेज मोबाइल का डेटा। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे हमने आईफोन में हॉटस्पॉट क्यों नहीं बनाया और रेडमी में क्यों नहीं कनेक्ट करा। इसका रीजन ये है कि जो ज्यादातर लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, जो हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि क्या मैं सेकंड हैंड मोबाइल फोन ले लूं, तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे नेट चलाने के लिए एक आईफोन तो लोगे नहीं सेकंड हैंड, आप यहाँ पे एक सस्ता सा कोई रेडमी का रेडमी नोट 7, 8 हो गया ऐसे कोई मोबाइल लोगे, इसलिए हमने उसमें डाल के एक हॉटस्पॉट खोला और इसलिए हमने उसको दूसरे डिवाइस में उसका स्पीड टेस्ट करा। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वाईफाई डोंगल्स हैं इनमें कितनी स्पीड आई। यहाँ पे टैकी का जो यूएसबी डोंगल है इसमें जो एवरेज डाउनलोड स्पीड आई हुआ है 12.8 Mbps, जो एवरेज अपलोड आई हुआ है 14.5 Mbps, और जो एवरेज पिंग आई हुआ है 56 ms। बात करें अगर हम कोकोनट की, तो यहाँ पे जो डाउनलोड आई एवरेज हुआ है 20.6 Mbps, जहाँ पे एवरेज अपलोड आई हुआ है 13.7 Mbps, और जो एवरेज पिंग आई हुआ है 67 ms। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे हुआवे की, जो एवरेज डाउनलोड स्पीड है वो आपकी 14.2 Mbps, जो एवरेज अपलोड स्पीड है वो यहाँ पे 4.65 Mbps, और जो एवरेज पिंग है वो यहाँ पे 64 ms। और यहाँ पे हम लास्ट में बात करें जियो सिम की, जियो डोंगल में, तो जो एवरेज डाउनलोड स्पीड आई हुआ है 12.07 Mbps, एवरेज अपलोड आई हुआ है 6.61 Mbps, और जो एवरेज पिंग आई हुआ है 67 ms। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे जियो मोबाइल नेटवर्क के जो हमने 6 different टाइप के स्पीड टेस्ट करे हो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे, और जैसे कि देख सकते हो आईफोन में यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड देखने को मिली, मोबाइल हॉटस्पॉट में यहाँ पे सेकंड था, बट
जो रेड नोट 7 उसमें भी बहुत क्लोज था, तो यहाँ पे इतना ऊपर नीचे होता है। बट जो यहाँ पे जियो 5 है उसमें बहुत ज्यादा कम यहाँ पे स्पीड देखने को मिली। आप टैकी में देख सकते हो यहाँ पे उतनी कम स्पीड है, बट टैकी में अपलोड स्पीड यहाँ पे 14 Mbps तक देखने को मिल रही है, और आप जियो में देखो कुछ 6 Mbps अपलोड देखने को मिल रही है। बात करें हुआवे की, तो यहाँ पे आपकी डाउनलोड भी कम है, अपलोड भी कम है। कोकोनट यहाँ पे एक बेसिक डाउनलोड स्पीड दी है, बट उसकी अपलोड स्पीड भी यहाँ पे काफी अच्छी जो कि 13 Mbps। तो दोस्तों ये तो था यहाँ पे जियो मोबाइल नेटवर्क का, मतलब मुझे पर्सनली काफी शॉकिंग रिजल्ट लगा यहाँ पर। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल में भी सब हमने सेम करा है यहाँ पर, पहले मोबाइल में डालकर हमने स्पीड टेस्ट करा, फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट डोंगल्स में डाला, अब उसके यहाँ पे स्पीड टेस्ट देखते हैं। यहाँ पे एयरटेल में जो मेरा आईफोन एस एस मैक्स में डाउनलोड स्पीड एवरेज आई हुआ है 63.2 Mbps, एवरेज जो अपलोड आई हुआ है 7.60 Mbps, और जो एवरेज पिंग आई हुआ है 60 Mbps। बात करें हम रेडमी नोट 7 की, तो जो एवरेज डाउनलोड आई हुआ है 35.2 Mbps, एवरेज अपलोड आई 2.66 Mbps, और जो एवरेज पिंग आई हुआ है 50 Mbps। बात करें रेडमी नोट 7 में मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर और आईफोन में उसके स्पीड टेस्ट करा वाईफाई कनेक्ट करके, तो उसकी जो डाउनलोड आई हुआ है 23.6 Mbps, एवरेज अपलोड आई हुआ है यहाँ पे 11 Mbps, और जो यहाँ पे एवरेज पिंग आई हुआ है 62 Mbps। नेक्स्ट यहाँ पे डोंगल्स का देखें, तो सबसे पहले टैकी की बात करें, आपके यहाँ पे एवरेज डाउनलोड आई हुआ है 16.3 Mbps, जो एवरेज अपलोड आई हुआ है 2.74 Mbps, और जो एवरेज पिंग आई हुआ है 57 Mbps। बात करें कोकोनट की, एवरेज डाउनलोड आई हुआ है 20.5 Mbps, जो एवरेज अपलोड आई हुआ है 5.61 Mbps, और जो एवरेज पिंग आई हुआ है 81 Mbps। बात करें हुआवे की, तो जो एवरेज डाउनलोड स्पीड है वो है 29.6 Mbps, जो एवरेज अपलोड है वो 6.38 Mbps, और जो एवरेज पिंग है वो है 55 Mbps। और अगर हम यहाँ पे इंडियन बात करें एयरटेल की, यहाँ पे एयरटेल के डोंगल में, तो जो डाउनलोड स्पीड है वो है 33.5 Mbps, जो एवरेज अपलोड है वो है 3.25 Mbps, और जहाँ पे एवरेज पिंग है वो है 61 Mbps। तो यहाँ पे एयरटेल मोबाइल नेटवर्क का पूरा कंक्लूजन देखे, जो हमने यहाँ पे 6 डिवाइसेस में स्पीड टेस्ट कराया, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो स्पीड देखने को मिल रही है वो यहाँ पे मेरे आईफोन एस एस मैक्स में देखने को मिल रही है। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हाई स्पीड है वो आपके यहाँ पे जो रेडमी नोट 7 है उसमें देखने को मिल रही है आपके यहाँ पे। उसके बाद एयरटेल की डोंगल में यहाँ पे काफी अच्छी स्पीड है। बात करें हम यहाँ पे हुआवे की मोबाइल हॉटस्पॉट की, कोकोनट की, तो काफी एवरेज देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे जो टैकी है उसमें काफी कम स्पीड आई है। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे सारे के सारे स्पीड टेस्ट। अगेन यहाँ पे जो जियो मोबाइल नेटवर्क और एयरटेल के यहाँ पे जो पूरे स्पीड टेस्ट है उनका एक कॉम्बाइंड टेबल आ रहा होगा, आप यहाँ पे आराम से इसे पॉज करके डेटा देख सकते हो। अब यहाँ पे पूरा कंक्लूजन क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमें मोबाइल डिवाइसेज में बहुत ज्यादा स्पीड देखने को मिल रही है। आईफोन में यहाँ पे काफी अच्छी स्पीड आ रही है कंपेयर टू रेडमी नोट 7। अब इसका ऑब्वियस रीजन है कि यहाँ पे ज्यादा बेटर हार्डवेयर यूज है आईफोन में। सेकंड अगर आप देखो तो यहाँ पे रेडमी नोट 7 है, रेडमी नोट 7 यहाँ पे ठीक ठाक पुराना मोबाइल हो चुका है, यहाँ पे जितने भी नए मोबाइल आ रहे हैं उनमें यहाँ पे बेटर हार्डवेयर ही है, तो आप देख सकते हो कि जो बेसिक मोबाइल है आपके पास उसमें अच्छी खासी यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगी। यहाँ पे थर्ड आपने देखा होगा हॉटस्पॉट था मोबाइल हॉटस्पॉट, क्योंकि ऑब्वियसली रेडमी नोट 7 था तो उसमें वही स्पीड यहाँ पे वो दूसरे फोन में भी यहाँ पे दे रहा था। बात करें अगर इंटरनेट डोंगल्स की कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, तो इनका जो बेसिक यूज होता है ये नहीं होता है कि आपको यहाँ पे ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। इनका बेसिकली यूज होता है कि थोड़ा नेटवर्क को स्टेबल रखते हैं, लॉन्ग टर्म यूज के लिए बने हैं कि आप दिन भर अपना मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन रखोगे, वहाँ पे बैटरी पे फर्क पड़ता है, आपके मोबाइल पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे इनका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, आपको यहाँ पे स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, आपको यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट होते हैं वो सब कनेक्ट करना है, आपको यहाँ पे एक लोकल क्लाउड स्टोरेज बनाना है, उन सबका यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होता है इंटरनेट डोंगल डिवाइसेस में। यहाँ पे ये चीज आपको काफी ज्यादा समझनी होगी कि जो ये डिवाइसेस है इसमें तो कैरियर रेगुलेशन नहीं होता, तो जो आपकी जो बेसिक स्पीड है वही आएगी। आपके जो मोबाइल डिवाइसेस में आपको कैरियर रेगुलेशन देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार आपके उसमें 4G+ आता है, LTE+ आता है, वो कैरियर रेगुलेशन है, वो चीज आपको यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बेटर स्पीड प्रोवाइड करती है। प्लस यहाँ पे स्पीड का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एरिया टू एरिया। यहाँ पे हमारे एरिया में एयरटेल की ज्यादा अच्छी स्पीड आती है, मेरे घर पे तो और ज्यादा अच्छी स्पीड आती है एयरटेल की, बट यहाँ पे बहुत एरियाज है जहाँ पे एयरटेल की स्पीड नहीं आती, वहाँ पे सिर्फ जियो चलता है। जैसे मेरी मम्मी जहाँ काम करती है, मम्मी के पास पहले एयरटेल था बट वहाँ पे स्पीड ही नहीं आती थी, नेटवर्क ही नहीं आते थे, तो वहाँ पे मैंने उसे जियो में पोर्ट कराया। तो आपके एरिया में यहाँ पे किसके ज्यादा अच्छे नेटवर्क है इस पे भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती है। इन दी एंड मेरा कंक्लूजन यहाँ पे यही है कि आप अपने यूजेस के हिसाब से देखो, आप ये मत समझो कि यार बस मेरे को तो वही अभी 10 MB आ रही है मैं ये ले लूंगा मुझे 20 MB मिलने लग जाएगी, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इनकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर ली, थोड़ा आपको स्पीड टेस्ट दिखा दिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, उनका मैं यहीं पे आंसर कर देता हूं, ताकि वो लोग ये वीडियो देखें तो उनके यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर हो जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों को ये दिमाग में रहता है कि यार कैश में मुझे अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, कि मैं 3-4 हज़ार रुपए खर्च कर रहा हूँ, इतना पैसा देने के बाद मुझे नेट तो फ्री मिलना चाहिए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ये बेसिकली आपका यहाँ पे बस एक तरीके से वाईफाई बना रहे हैं, जो आपके यहाँ पे जो इंटरनेट है वो आपको अपना प्लान करवाना पड़ेगा, उसी हिसाब से यहाँ पे आपका जो इंटरनेट हो यहाँ पे काम करेगा। अब इसी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि जो प्लान है वो कौन सा करूं मैं। पहले तो इसमें लोग पूछते हैं कि सिम कौन सा डालना है, तो इसमें जो आपके बेसिक मोबाइल के सिम हो गए आप वो डाल सकते हो, चाहे आपका प्रीपेड हो चाहे आपका पोस्टपेड हो। यहाँ पे स्लॉट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जियो में आपके यहाँ पे बिल्कुल नैनो सिम डलता है, एयरटेल यहाँ पे हुआवे में आपके पूरे सिम डलते हैं, और यहाँ पे आप चाहे आपका प्रीपेड हो पोस्टपेड हो जैसे मैंने बताया कोई सा भी यहाँ पे चलेगा। जिस तरीके आपके यहाँ पे प्लान होगा उतना आपके यहाँ पे डेटा चलेगा। मान लो आपने यहाँ पे 1 GB पर डे वाला करा है तो आपका 1 GB के बाद यहाँ पे नेट बंद हो जाएगा चलना, और यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो इसमें जैसे बूस्टर डलाते हो वो भी डला के आप इसमें नेट चला सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसमें अगर मान लो मुझे कॉल आ रहा है तो क्या होगा। यहाँ पे सिर्फ एक जियो वाईफाई डोंगल है, तो जब आप इसमें जैसे मैंने बताया सिर्फ जियो का सिम सपोर्ट करते हैं, तो जब आप इसमें जियो का सिम लगाओगे और आपने यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपके अपने फोन में, आपने उसे यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है जियो कॉलिंग करके जो ऐप है, अब यहाँ पे कोई भी आपको उस डोंगल वाले नंबर पे कॉल करेगा तो आपको यहाँ पे कॉल आ जाएगी आपकी जो मोबाइल फोन है उसमें ऐप के थ्रू। बात करें यहाँ पे मैसेजेस की, तो जियो के ऑब्वियसली मैसेजेस भी आते हैं, एयरटेल के यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, बट आपको इनके आईपी एड्रेस पे जो सेटिंग होती है जहाँ पे वाईफाई सेटिंग वगैरह छेड़ते हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पे मैसेज दिखेंगे। और हुआवे की यहाँ पे एक ऐप आती है, वहाँ पे आप जाकर मैसेजेस चेकआउट कर सकते हो, उनके वहाँ से मैसेजेस भेज भी सकते हो। बात करें यहाँ पे टैकी और कोकोनट की,
तो वहाँ पे मैसेजेस आपको नहीं देखने को मिलते। अब इससे यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इसे कहाँ खरीदना चाहिए, मैं इसे दुकान पे जाके खरीदूँ या ऑनलाइन खरीदूँ। तो पर्सनली मैंने यहाँ पे जो ऑफलाइन लिया था 2017 में, मैं इसे 900 रुपए का मिला था मुझे दुकान पे। अब अगर हमें प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जियो की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे तो आउट ऑफ स्टॉक, अमेजोन पे भी बहुत कम यहाँ पे स्टॉक में आता है करंटली इस वक्त स्टॉक में जब हम वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको लेना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको अभी मिल जाएगा। और यहाँ पे जिसका अभी अमेजोन पे प्राइस है वो यहाँ पे 3248 रुपीज है। ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है डिपेंड ऑन सेलर की कौन सा यहाँ पे सेलर बेच रहा है। बात करें हम यहाँ पे अगर एयरटेल की, तो मैं एयरटेल का भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एयरटेल का यहाँ पे शॉप से खरीदा जो इनका एयरटेल का ऑफिशियल स्टोर होता है। बेसिकली मुझे यहाँ पे नुकसान हुआ क्योंकि अभी करंटली अमेजोन पे 2994 का मिल रहा है, जो ये मेरे पास वर्जन है याला। और एक और वर्जन है इसका जिसमें थोड़ी बैटरी कम है, वो आपको यहाँ पे 2100 कुछ का मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली इसे ऑनलाइन ही खरीदना। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ सारे इनकी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो बात करें अगर हम हुआवे की, तो हुआवे मैंने पर्सनली यहाँ पे ऑनलाइन खरीदा है। मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट से खरीदा था 2999 में, बट उसके बाद यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे कभी स्टॉक में ही नहीं रहता और बहुत ज्यादा प्राइस रहता है इसका 4500 तक। अमेजोन पे करंटली 3099 का मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, नहीं तो इसका जो एवरेज प्राइस है वो 3500 से 4000 तक रहता है। तो इस वक्त अगर आपको लेना है तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कोकोनट की। तो कोकोनट के यहाँ पे बेसिकली दो मॉडल्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे सेम है। बेसिकली उन्होंने जो पुराना मॉडल था उसे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं धीरे धीरे और नए मॉडल यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो पुराना वर्जन उनका ब्लैक कलर में है और नया वाला व्हाइट कलर में है। हमारे पास यहाँ पे व्हाइट कलर का है और जो हमने वो लिया था वहाँ पे 1800 का लिया था, बट अभी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतना अच्छा है कि लोग खरीदे जा रहे हैं। बट यहाँ पे जो अभी ब्लैक वाला है वो करंटली अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे 2150 का अमेजोन पे पड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लास्ट बात करें टैकी की, तो टैकी आप यहाँ पे दो जगह से खरीद सकते हो, एक तो अमेजोन से और एक आप यहाँ पे खरीद सकते हो इनके खुद की वेबसाइट से। अब यहाँ पे अमेजोन पे है 2150 का और यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपको 50 रुपए सस्ता मतलब 2099 का पड़ रहा है। जब आप टैकी वेबसाइट पे जाओगे अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिलता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है टैकी वेबसाइट पे। तो दोस्तों यहाँ पे यही था पूरी वीडियो के लिए, हमने आपको सब कुछ बता दिया इनके स्पीड टेस्ट स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग हमारे यहाँ पे ओपिनियन क्या है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर इनका बहुत ही डिटेल आपको कंपैरिजन देखना है या रिव्यू देखना है, तो यहाँ पे डोंगल्स पे काफी सारी वीडियोस कवर करी है। इस वक्त यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जाके देखो, आपके यहाँ पे और डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।